दोस्तों, क्या पुलिस हिरासत में एल्विश यादव ने इस चीज़ को कन्फेस कर लिया है कि वो स्नेक विनम रेव पार्टीज में सप्लाई करते थे? क्या एल्विश यादव का नाम सच में इन सभी चीज़ों में आ रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, कोई बहुत बड़ी साजिश है? आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। सबसे पहले तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फीफा फूज पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों, एक बात तो है कि जितना बड़ा आपका नाम होगा उतने ही ज़्यादा लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, और पीछे पड़ने से मेरा मतलब है कि आपको नीचे गिराने के लिए आपके पीछे पड़ेंगे। देखिए, एल्विश ने किया या नहीं किया ये बात एक क्वेश्चन मार्क पर ही मैं छोड़ूंगा, लेकिन उसी के साथ साथ इस समय एल्विश यादव पर जिस तरीके से बहुत सारे लोग टूट पड़े हैं कि 25 साल का बच्चा है ये, 25 साल के बच्चे का सिस्टम तो ऐसा होता है, तो सांप का जहर सप्लाई कर रहा था रेव पार्टीज में, तो तस्कर था, इस तरीके की बातें एल्विश यादव को लेकर कही जा रही हैं। देखिए, जब तक पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आउट नहीं होता है, जब तक कोर्ट से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आउट नहीं होता है कि एल्विश इस चीज़ पर गुनहगार है, तब तक उनको गुनहगार कहना बहुत ज़्यादा गलत होगा। इट्स इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये बहुत बोल्ड शब्दों में कानूनन तौर पर ये स्टेटमेंट आता है, इट्स इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। इस समय एक सोर्स आता है NDTV का, और आप देख सकते हो ये अपलोड करते हैं वो लोग अपने सोशल मीडिया पर, और लिखते हैं यूट्यूबर एल्विश यादव एडमिट्स टू अरेंजिंग स्नेक वेनम एट रेव पार्टीज, और आगे सोर्सेज भी लिखा हुआ है। दोस्तों, हमेशा हर सोर्स सही भी नहीं होता है, लेकिन ये भी कहूँगा कि हमेशा हर सोर्स गलत भी नहीं होता है। अब देखने वाली बात है कि क्या एल्विश का नाम इसमें सच में इन्वॉल्व है, क्या वो ये चीज़ें सच में करते थे, ये थोड़ा सा देखने वाली बात ज़रूर होगी। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या ओपिनियंस है, ज़रूर बताएगा मैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।